भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर महानगर के महानगर अध्यक्ष पवन यादव के नेतृत्व में शनिवार की शाम जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए इंदिरा बाल विहार के से कैंडल निकालकर शहीदों को नमन करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष पवन यादव ने कहा कि आज यदि अपने घरों में हम सुरक्षित महसूस करते हैं और चैन की नींद लेते हैं तो केवल इसलिए क्योंकि सीमा पर हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा में मुस्तैद हैं। इस दौरान संदीप जायसवाल, आकाश शर्मा, राहुल यदुवंशी, शिवम मिश्रा, चंदन श्रीवास्तव, मनोहर गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए श्रवण शुक्ला ने कहा, हम लोग आज 250 के संख्या में असुरन चौराहे के पास खरैया पोखरा से इकट्ठा हुए हैं। बसारतपुर का एरिया आता है, हम लोग वहाँ से इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर इस चौराहे पर आकर के हम लोग जो है वीर शहीदों को जो श्रद्धांजलि दिया जाता है, तहे दिल से हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और चेतना तिराहे से हम लोग आगे बढ़ते हुए मंगलम टावर होते हुए आपका टाउन हॉल चौराहे से राउंड करके फिर यहाँ पे हम लोग आए हैं और यहाँ पे हम लोग कैंडी जला करके 2 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। ये जो घुसपैठियों द्वारा कार्य हुआ है हमारे 42 जवानों को शहीद करने का, इसकी हम पूर्णतः निंदा करते हैं और ये गद्दारों का काम हुआ है, ये पीठ पीछे से वार हुआ है, ये इनको सजा मिलनी चाहिए और हम जो है उन गद्दारों को सजा दिलाने के पूरा पक्ष में हैं। अगर इसमें जिस भी गुट का हाथ है, जो भी जैसे मोहम्मद जो इस कार्य को करने का जिम्मेदारी लिया है, हम उसको पूरी तरह नष्ट नाबूद देखना चाहते हैं। जय श्री राम।